नमस्कार अध्यापकगण 26 मार्च 2021 से कक्षा पहली से आठवीं और नौवीं तथा ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं जिनमें से कक्षा तीसरी से आठवीं की परीक्षाएं अवसर ऐप के माध्यम से होनी है इसके लिए आपको कुछ आवश्यक बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी आपकी अवसर ऐप लेटेस्ट वर्जन V1.8 से अपडेट होनी चाहिए जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा यदि आपने अपनी ऐप आप को अपडेट कर रखा है तो आप इसे रहने दें कोई आवश्यकता नहीं है अन्यथा इसे ज़रूर अपडेट करें नहीं तो न तो अध्यापक को अपनी आईडी में बच्चे का रिजल्ट दिखाई देगा और ना ही बच्चों के अवसर ऐप में किसी तरह की कोई परीक्षा उन्हें उपलब्ध हो पाएगी तो आप इसे अपडेट ज़रूर कर लें दूसरी आवश्यक बात एक फोन से केवल तीन से चार बच्चों का ही टेस्ट करवाएं एक बच्चे का असेसमेंट सबमिट करने के बाद लॉग आउट ज़रूर करें और उसके बाद ही दूसरे बच्चे का लॉग इन करें यदि असेसमेंट सबमिट करने के बाद किसी बच्चे ने परीक्षा कर ली है असेसमेंट सबमिट कर दिया है और आपने देखा होगा पिछली परीक्षा में कि उसके बाद भी अध्यापक जब अपने अवसर ऐप पर अपनी कक्षा के बच्चों का परिणाम देखता है तो उस बच्चे के सामने नोट अटेम्प्टेड लिखा आता है तो यदि ऐसा कोई केस आता है तो उस स्थिति में आप किसी ऐसे मोबाइल फोन से उस बच्चे की परीक्षा करवाएं जिससे पहले किसी बच दूसरे बच्चे का लॉगिन ना हुआ हो तो आ, 26 मार्च 2021 को कक्षा तीसरी और चौथी की अंग्रेज़ी की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं 27 मार्च अर्थात आज पाँचवीं और छठी की परीक्षा है तो ऐसे में आप अध्यापकों को आवश्यकता होगी कि आप अपनी कक्षा का अपने विषय का परिणाम साथ के साथ देख सकें और अपना वार्षिक परिणाम जो है वो रजिस्टर में अंकित कर सकें तो उसके लिए अवसर ऐप के माध्यम से इस रिजल्ट को अपनी कक्षा के इस परिणाम को कैसे देख सकते हैं इसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ आप उसे देख भी चुके होंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कर दिया जाएगा आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डैशबोर्ड के माध्यम से रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं और डैशबोर्ड से जो हम रिज़ल्ट देखेंगे उसमें मैं आपको बता दूं कि अवसर ऐप में तो केवल आपको परसेंटेज ही दिखाई देती है उसमें बच्चों के प्राप्त अंक दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जब आप डैशबोर्ड से रिजल्ट देखेंगे अपनी कक्षा का अपने विषय का तो उसमें प्रत्येक बच्चे के सामने उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक भी आपको दिखाई देंगे जिससे आपको अपनी कक्षा का परिणाम तैयार करने में बहुत ही अधिक सुविधा रहेगी और उसके लिए आपको अध्यापक की एम्प्लॉय आईडी की या उसकी डेट ऑफ बर्थ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी उसके लिए सिर्फ विद्यालय का कोड ही चाहिएगा तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूं कि कैसे हम अपनी कक्षा का परिणाम देख सकते हैं तो ये देखिए ये अवसर ऐप के डैशबोर्ड का लिंक है यहां मैं आपको एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक दोनों ही विद्यालयों की आईडी से आपको ये प्रक्रिया करके दिखाऊंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे गए हैं तो दोनों में ही यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में ही आपके विद्यालय का कोड रहेगा तो मैं यहाँ पहले एक प्राथमिक विद्यालय की आईडी से लॉगिन कर रही हूँ यह देखिए जब मैंने एक प्राथमिक विद्यालय की आईडी से इसमें लॉगिन किया तो ये पेज आपके सामने खुला है यहाँ बाएं हाथ की तरफ आप ये तीन छोटी छोटी लाइनें लगी देख रहे हैं आप इन्हें टच कीजिए तो आप यहाँ देखेंगे कि असेसमेंट रिज़ल्ट रिपोर्ट उसके नीचे रिसेट असेसमेंट और उसके नीचे असेसमेंट रिपोर्ट दिया हुआ है तो यहाँ से हम असेसमेंट रिज़ल्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे यह पेज आपके सामने खुला यहाँ से आप क्लास सिलेक्ट कर लेंगे किस क्लास का रिजल्ट आपने देखना है मान लीजिए मैंने कक्षा तीन को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से विषय को कल तीसरी की अंग्रेजी की परीक्षा थी सर्च तो अब देखिए एनुअल असेसमेंट मार्च 2021 हजार इक्कीस स्टू स्टूडेंट्स पंद्रह बच्चों ने किया है टोटल स्टूडेंट्स सोलह इस विद्यालय के तीसरी कक्षा में कुल सोलह छात्र हैं जिनमें से पंद्रह छात्रों ने यह परीक्षा दी है और कक्षा का एवरेज जो परिणाम है सड़सठ दशमलव एक एक प्रतिशत है अब यह तो पूरी कक्षा का एवरेज रिजल्ट आपके सामने आ गया अब आपने छात्र अनुसार जब रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ देखें सी मोर लिखा हुआ है सी मोर के ऊपर आप क्लिक करें तो देखिए जब सी मोर के ऊपर हमने क्लिक किया तो इसमें हम पहले देख ही चुके थे कि इस कक्षा में कुल छात्र सोलह हैं जिनमें से पंद्रह परीक्षा दे चुके हैं तो पहले पेज पर दस छात्रों का रिजल्ट है यहाँ पर आप देखिए कि बच्चे का नाम है उसका एस आर एन है टोटल मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं परसेंटेज है और इस तरह से आप हर एक बच्चे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके प्रतिशत सब कुछ यहां से आपको एक ही बार में उपलब्ध हो जाएगा आपको प्रतिशत भी निकालने की आवश्यकता नहीं है सारी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। ये देखिए ये अगले पांच बच्चों का परिणाम है ये तो इस प्रकार आप अपनी कक्षा का पूरा परिणाम डैशबोर्ड की सहायता से देख सकते हैं चलिए अब एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की आईडी से हम करके देखते हैं वही प्रक्रिया रहेगी मैंने एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की यूज़र नेम और पासवर्ड में उसका कोड डालकर लॉगिन कर चुकी हूँ मैं असेसमेंट रिजल्ट्स रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से हमने कक्षा आज छठी की परीक्षा है उसका हम देख सकते हैं आज छठी की छठी की आज गणित विषय की परीक्षा है तो यहाँ देखिए अब तक इस विद्यालय के सोलह में से दस छात्र यह परीक्षा कर चुके हैं जिनका एवरेज परिणाम बयासी प्रतिशत है तो अब हम विद्यार्थी अनुसार इसका परिणाम देखते हैं ये देखिए दस बच्चों का परिणाम ये आपके सामने रहा प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके सामने हैं उनका प्रतिशत उनके सामने है तो इस प्रकार आप यहाँ से दोनों ही चीजें देख सकते हैं कि कितने बच्चे अब तक परीक्षा दे चुके हैं क्या उनका परिणाम है और जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है आप उनसे लगातार संपर्क करते रहें ताकि समय पर यह परीक्षा पूर्ण हो जाए और आपकी कक्षा का रिजल्ट भी पूर्ण हो जाए समय पर तो मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी अगले किसी वीडियो में शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार धन्यवाद